मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में आरएलजी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें आरएलजी नेताओं का आरोप है कि ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। सत्ता के दबाव में ही खंड विकास अधिकारी ने सभी टेंडर निरस्त कर दिए, जिसको लेकर आरएलजी नेता ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आरएलजी नेताओं की मांग पूरी ना होने पर आरएलजी का धरना प्रदर्शन व्यापक हो गया और इस दौरान हजारों की तादाद में आरएलजी के कार्यकर्ताओं ने बुढ़ाना खंड विकास कार्यालय का घेराव किया। वहीं आरएलजी के एससी एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया पहुंचे और भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे। वहीं प्रशांत कन्नौजिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत भी की। क्या कुछ कहा नरेश टिकैत ने, आप भी सुनिए। केंद्र सरकार ने जो तमाम जो कृषि कानून थे वो वापस लिए हैं और वहीं उसके बाद से लगातार किसानों के बीच हर्ष और उल्लास का माहौल है और तमाम जो किसान नेता थे वो अपने घर लौट गए हैं। तो ऐसे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत। बात करते हैं, जिस तरह से सरकार ने तीनों कृषि कानून थे वो वापस ले लिए हैं, किस तरह देखते हैं, कितना बड़ा मतलब क्या मानते हैं? नहीं, एक तो है ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुशी तो है नहीं। हमारे 700 साढ़े 700 करीब हमारे किसान शहीद हो गए इसमें। सरकार ने बहुत लंबा टाइम लिया, नुकसान तो उनका ज़्यादा, पर फायदा ये है कि भाई हमारा जो एक भाईचारा है, एक जो किसान एकता है, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पूरे देश की निगाह आंदोलन पर थी, सब एक जीत हुई। और इसमें अच्छा लगा, आगे आने वाली सरकारें भी हिचकेगी कुछ काम धंधा, कुछ गलत निर्णय लेते हुए, तो हमें तो इस बात की खुशी है बहुत। और लोगों को लगता है 2022 की विधानसभा चुनाव में भी जो ये आंदोलन था इसका प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? भाई इसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते, यह तो जनता के निर्णय की बात है, जनता जो कर भी चुनेगी, जनता समझदार है। पर यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान काफ़ी है, हाँ, इसका होर तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो संयुक्त मोर्चा, हम भी बंधे हुए कहीं ना कहीं, जो निर्णय होगा संयुक्त मोर्चा लेगा, पर नुकसान जरूर है इसे। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इस नुकसान की गिनेंगे भरपाई करनी पड़ सकती है सरकार को? नहीं, देखो तो जनता करेगी क्या है बातचीत, जनता समझदार है, खुद वो समझ ले, अपने नुकसान न फेंके, जनता अपने आप जान ले। तो देखिए, ये हमारे साथ था नरेश टिकैत, जो कह रहे हैं कि जो जिस तरह का आंदोलन चला है उससे कहीं ना कहीं भाईचारे को एकता मिली है और कहीं ना कहीं भाईचारा मजबूत हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम किसान संयुक्त किसान मोर्चा में नेता थे उनकी सहमति से कहीं ना कहीं जो तमाम किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर तमाम पदाधिकारी, वो कहीं ना कहीं एक हुए हैं अपने सहयोग फैसल के साथ। मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुजफ्फरनगर। ये जो पंचायत थी कार्य, जो हमारे जो ब्लॉक के जो कार्य थे, जो क्षेत्रीय जो सांसद है, क्षेत्रीय विधायक है, उनके दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है और जो कार्य यहाँ के खंड विकास अधिकारी द्वारा स्टार्ट करा दिए गए थे उन कार्यों को प्रभावित कर दिया गया और क्षेत्रीय की जनता में उन कार्यों को लेकर के रोष था, क्योंकि 40 टेंडर किए थे, 40 के 40 टेंडर जो है यहाँ के खंड विकास अधिकारी ने कैंसिल कर दिए। और उसी बात को लेकर के आज जो है पूरे क्षेत्र की जनता, आप लोग देख ही रहे थे, कहीं सौ हज़ारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहाँ पर जो है ब्लॉक प्रांगण को घेरे हुए थी और चौधरी नरेश टिकैत जी उसमें बीच में आए, उनका नेतृत्व हुआ